हेमर से लोहे में होल करने के लिए हमें जो चक की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चक कैसे अटैच होता है वो इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये एक थ्रेड जैसा मिलता है, लंबा सा कीला। अब ये क्या होता है कि ये हमारे जो इसके पीछे की साइड है, तो आगे तो ये स्क्रू निकलता है जो कि टाइट होगा हमारे जो हम चक लेके आए उसमें। अब ये हम इसको अच्छे से यहाँ से टाइट कर देंगे। और ये ऊपर देखिए, ये हमारे हेमर जैसा इसमें लगा हुआ है, यानी कि जो हेमर का थ्रेड है उसमें ये वाला अटैच हो जाता है। तो हम एडजस्टेबल से इसको टाइट कर देंगे कि जब मशीन चले तो ये खुलकर एक तरफ ना हो और कोई दुर्घटना ना हो। तो हमने इसको यहाँ से टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद में आप देखिए, इसके अंदर हमें जो हमने इसको स्क्रू निकाला था वो भी इसमें लगा देंगे। इन दैट केस अगर कभी ये लूज हो जाता है वहाँ से, तो ये स्क्रू इसको बाहर निकलने नहीं देता है और वहीं पर अटैच रखता है। तो ये जो हमारे पास में इसका स्क्रू है, इसको इसके अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले चक को पूरा अंदर से खोल लेंगे ताकि स्क्रू अच्छे से इसमें बैठ जाए। अब स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर देंगे, और टाइट इसको फुल टाइट करना है, ताकि क्या है कि ये अंदर से जब चलेगा तो ये हाई आरपीएम पे चलता है, तो ये निकलने के इसमें चांसेस होते हैं। तो इस वजह से इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। ये इसमें स्पेशली इसीलिए दिया होता है कि अगर एक साइड से ये लूज हो जाए, निकल जाए, तो ये स्क्रू इसको संभाल के रखता है, यानी कि डबल प्रोटेक्शन इसमें हो जाती है। तो इसको क्या है, हमें सीधी साइड पर घुमाना है, उल्टे साइड नहीं घुमाना है। इससे क्या है कि जब ये मशीन चलती है तो इसमें इसको डायरेक्शन उल्टा रहता है, और जो इसको स्क्रू टाइट करते हैं उसका डायरेक्शन अलग रहता है। तो अब इस चक को हम वापस से रोटेट करेंगे, और इसका जो ऊपर का मुंह है इसको छोटा कर लेंगे, ताकि यहाँ बिट एडजस्ट कर सकें, टाइट कर सकें। तो हमने ये इसमें 6 mm का बिट लगाया है, और इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसके साथ जो की आती है, की भी आपको इसके चक के साथ ही मिल जाएगी, तो की से इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो ये हमने इसको टाइट करके, और ये देखिए, ये इस तरह से कंप्लीट बन जाता है। अब इसको फिटिंग करते हैं हमारे जो हेमर है उसके साथ में। तो हेमर को वैसे ही पुश करके और इसको एडजस्ट कर देना है। तो ये देखिए, हमारी ये कंप्लीट हो गया। अब हम इससे लोहे में आसानी से होल कर सकते हैं हेमर की सहायता से।